Chandragupta fought against Seleucus Nicator. Seleucus Nicator, who was the governor of Alexander, he defeated Nicator. And after the battle, he defeated Nicator. And after the battle, a friendship treaty was signed. Whereby it was decided that the area west to Indus River, will be governed by Nicator, and East Asia will be by Chandragupta. Chandragupta na likhna ho to short form mein CM likhiye. CM married Nicator's daughter Helena. And as per the treaty, Megasthenes was appointed as an ambassador in the court of CM Chandragupta Maurya. He has written book Indica, which provide social political condition during Mauryan Empire. Change the paragraph then, right? Under the influence of Jain monk Bhadrabahu, CM professed Jainism and went to Shravanbelgola where he followed extreme penance, P-E-N-A-N-C-E, Pashtava, extreme penance called Sallekhan, and died in typical Jain fashion. After his death, his son Bindusar sat on the throne. Bindusar
sat on the throne. बिंदुसार का मतलब जो बिंदुओं का सार है उसे बिंदुसार कहते हैं. ठीक, समझ गए? नहीं समझे? देखिए, इनकी जो माता थी, ठीक, इन्होंने एक बार चंद्रगुप्त की खीर खा ली. ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त का खाना खा लिया. ठीक, उनको शौक था, भाई मिलने के लिए आए थी, बातचीत चल रहा था, तभी चंद्रगुप्त का खाना आ गया. चंद्रगुप्त का खाना आ गया तो वो भी आ गया. उन्होंने कहा मैं भी खा लेती हूँ. चंद्रगुप्त को याद नहीं रहा कि अच्छा गड़बड़ हो जाएगा, तो उन्होंने खा लिया. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज प्रेगनेंट. ठीक, तो भाई चंद्रगुप्त इम्यून है ना जहर से, वो थोड़े इम्यून है. ठीक, तो क्या होता है कि फिर ऑपरेट किया जाता है, और ऑपरेट करने के बाद ये होता है कि दोनों में से कोई एक ही बच सकता है. तो क्या है, बिंदुसार को बचा लिया जाता है, उनकी मदर की डेथ हो जाती है. ठीक, और यही रीजन बनेगा कौटिल्य के यहाँ से जाने का. ठीक, क्यों? क्योंकि बिंदुसार को भर दिया जाएगा कि तुम्हारी मदर की डेथ जो है वो इसके कारण हुई थी, इसने तुम्हारी मदर को जहर दे दिया था. ठीक है, तो फिर बिंदुसार जो है कौटिल्य को बोलेगा या तो तुम यहां से भाग जाओ, या तो मैं तुम्हें देश निकाला घोषित कर दूं. ठीक, उसको सच्चाई तो पता नहीं है, और कौटिल्य अब उसको बैठ के सच्चाई तो बताएगा नहीं. क्यों? क्योंकि कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त के साथ है. ठीक है, चंद्रगुप्त के साथ लगभग 50 इयर्स उन्हें स्पेंड किए हैं. ठीक, तो उस पर भरोसा है. लेकिन बिंदुसार नया लड़का है, अब वो अ मैन ऑफ वेरी हाई स्टैचर, वो अपने आप की सफाई थोड़ी देगा कि नहीं मैंने ये नहीं किया, मैंने वो किया. ठीक है, पहले और वैसे भी कौटिल्य की जो लोकप्रियता थी बहुत ज्यादा हो गई थी. ही वॉज प्रीटी मच फेमस इन द कोर्ट, सो ऑल द अदर पीपल दे यूज टू हेट कौटिल्य अलॉट, एंड व्हेन अ न्यू पर्सन केम दे फाउंड द चांस टू एलिमिनेट कौटिल्य. ठीक, तो कई सारी कहानियां, नोबडी नोस कौटिल्य के साथ क्या हुआ. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं दैट ही वॉज बर्न्ड अलाइव, उसके जो दुश्मन थे उन्होंने उसके कमरे पे क्या कर दिया था, मिट्टी का तेल छिड़क के पूरा आग लगा दिया. ठीक, तो वो बेचारा जल गया. कोई कहता है कि कौटिल्य ने अपने आप ही एम्पायर जो है छोड़ दिया था, कि अब चंद्रगुप्त बचा नहीं है, बिंदुसार इज अ न्यू पर्सन और बहुत ही स्टबर्न है, तो ही लेफ्ट. कुछ कहते हैं कि बिंदुसार ने उसको सजाए मौत दे दी पनिशमेंट के तौर पे. कुछ अलग कहानियां हैं कि चला गया, भाग गया, पता नहीं कहां गया, किसी को नहीं मालूम. ठीक, सो नोबडी नोस वेयर कौटिल्य पंडित वेंट. ठीक, कहां गए, तो ये भी एक मिस्ट्री है. ठीक, जैसे सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री है, कुछ लोग कहते हैं पहाड़ों पर भी पाए जाते हैं कौटिल्य. ठीक है, तो ये सब चलता रहता है इंडिया में. बट हाँ, कौटिल्य वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, और कौटिल्य से हम एथिक्स और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सीख सकते हैं. जैसे कि एक कहानी ये है कि कौटिल्य जो है काम कर रहा था, और फिर उसने क्या किया, दिया बुझा दिया काम करने के बाद. तो उसका एक जो रिलेटिव आया था, उसने सोचा आप सोएगा, तो उसने फिर सोया नहीं, उसने दूसरा दिया जला दिया, और फिर वो काम करने लग गया. तो उसने कहा कि कैसे पागल आदमी है, जब काम ही करना था तो उसको बुझाया क्यों. तो कौटिल्य ने कहा कि अभी तक मैं प्रदेश का काम कर रहा था, मैं साम्राज्य का काम कर रहा था, इसलिए जो दिया जल रहा था वो किसका था, वो स्टेट का था, उसमें जो भी बत्ती है, जो तेल है, वो स्टेट का है. अब मैं अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ, तो पर्सनल काम जब कर रहा हूँ तो मेरा पर्सनल, जो मेरी कमाई से जो लैंप आई है वो जलेगी, वो वाली नहीं जलेगी. ठीक है, तो जितने ब्यूरोक्रेट उनको सीखना चाहिए कि आपको गाड़ी दी जाती है आपके काम के लिए, ताकि आप कभी लेट ना हो, समय पर पहुंच सके. आपकी गाड़ी में हमेशा तेल फुल रहेगा, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए, रात के 2 बजे जाना पड़े, 3 बजे जाना पड़े. वो मैडम को ब्यूटी पार्लर ले जाने के लिए नहीं है. ठीक है, कि बच्चों को स्कूल छोड़ाओ, मैडम को सब्जी खरीद लाओ और ब्यूटी पार्लर चले जाओ, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है. ठीक है, तो कौटिल्य जैसे लोग को लाल बहादुर शास्त्री भी फॉलो करते थे. ठीक, उनके बारे में पता है कि नहीं पता आपको, उनको एक गाड़ी लेनी थी, कई सालों तक उन्होंने उस लोन को चुकाया है. और कहां से लोन लिया था, पंजाब नेशनल बैंक से. अभी भी आप पंजाब नेशनल बैंक जाएंगे तो लाल बहादुर शास्त्री की फोटो, उनकी वाइफ ने चुकाया था वो लोन, तो उनकी भी फोटो वहां पे लगाई गई है. जिसे कहते हैं एथिकल बैंकिंग. ठीक, कि आप कितने एथिकल हैं अपने उसमें. ठीक है, हमेशा से ऐसे लोग को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि कुछ कुछ चीजें उनसे सीख सके हम लोग. ठीक, बट कौटिल्य पंडित के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, उनकी किताब के बारे में ज्यादा वो है. कभी आपको समय मिले, जब आप कुछ बन जाए, आपके पास फ्री टाइम हो, तो कोशिश करेगा जो मिसलेनियस किताबें हैं अर्थशास्त्र की, 14 book number 14 and 15, उनको पढ़ने की कोशिश करेगा. और लिटरली उसको फॉलो करने की कोशिश मत करेगा, उससे
इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें जो चीजें लिखी हैं वो बहुत पुरानी चीजें हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो आज के टाइम पे वैलिड नहीं है, बट उनकी लर्निंग अभी भी वैलिड होगी। ठीक, तो सीखेंगे। तो बिंदुसार लिखे और बिंदुसार का टाइम पीरियड लिखे, 297 टू 273 BC। तुम सब लोग मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? समय हो गया है क्या? ओ, तभी मैं सोचूं लोग लुक्स क्यों दे रहे हैं मुझे। 1046 हो गया, 297 टू 273 BC। आज एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा ही हो, चलिए कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सारे नहीं पढ़ने, कुछ कुछ पढ़ लेने, पहला दूसरा चौथा सातवां 10th and 13th। Thank you.